हेलो गाइस, दिस इज अभिषेक। दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल फिजिक्स फैक्ट बाय अभिषेक सेट में। दोस्तों वेव ऑप्टिक्स के ऑलरेडी हम लोग दो पार्ट्स पढ़ चुके हैं जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का कलेक्शन था। उससे बचकर जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको आज हम पार्ट थ्री में पढ़ेंगे। दोस्तों इसमें 2012 तक के पूछे गए क्वेश्चनों का कलेक्शन है और कुछ क्वेश्चन जो मुझे लगते हैं कि ये एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, पैटर्न को देखते हुए उस क्वेश्चन को भी मैं कराऊंगा। तो दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए और एक ग्रुप स्टडी बनाकर पढ़िए, क्योंकि जब तक आप ग्रुप में नहीं पढ़ेंगे आपको ये पता नहीं चलेगा कि आप और लोगों से बेहतर कर रहे हैं या नहीं। अच्छा, तो ज्यादा समय न गवाते हुए हम लोग सीधे वीडियो पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन है, लाइट इज पोलराइज्ड मैक्सिमम व्हेन द इंसिडेंट एंगल ऑफ द ग्लास सरफेस इज। किस आपतन कोण के लिए प्रकाश का ध्रुवण शीशे की सतह पर अधिकतम होगा? तो शीशा या ग्लास, इसके लिए जो आपका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू होता है वो कितना होता है? 1.5। ठीक है, 1.5। अब बात यहां हुई है पोलराइजेशन की यानी ध्रुवण की, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन जब लगाएंगे तो हम ब्रूस्टर का एंगल म्यू इक्वल टू 10 IP, ध्रुवण कराना है तो ये फॉर्मूला लगा दिया। अब इससे क्या हमें मिला, ध्यान से देखिएगा, 10 IP इक्वल टू म्यू, और म्यू की वैल्यू क्या है? 1.5। अभी यहां से क्या होगा, यहां से हमें आईपी चाहिए, तो आईपी इक्वल टू द टेन इनवर्स 1.5। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है लगभग 57 डिग्री। तो अगर किसी कांच की सतह पर प्रकाश किरण 57 डिग्री कोण पर आपतित हो, 57 डिग्री एंगल पर इंसिडेंट होगा, तो उसका पोलराइजेशन क्या होगा? मैक्सिमम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम अ डेंसर मीडियम स्ट्राइक अ रेयर मीडियम एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। इट इज फाउंड दैट रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रेक्टेड रेज मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विथ ईच अदर। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन आर आर एंड आर डैश रेस्पेक्टिवली। द क्रिटिकल एंगल इज, एक प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में कोण आई पर आपतित हो रहा है। यह पाया गया कि परावर्तित एवं अपवर्तित किरणें एक दूसरे से 90 अंश का कोण बनाती हैं। यदि परावर्तन तथा अपवर्तन कोण क्रमशः आर व आर डैश हो तब क्रांतिक कोण होगा। अच्छा ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। सबसे पहले स्नेल का नियम लगाते हैं। स्नेल का नियम क्या कहते हैं, म्यू इक्वल टू होता है साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल और साइन ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के लिए आर डैश दे रखा है, रिफ्रैक्शन के लिए आर डैश दे रखा है और इंसिडेंट के लिए दे रखा है आर। ठीक है, एक्चुअली इंसिडेंट जो है वो आई दिया हुआ है क्वेश्चन में, बट आप जानते हैं कि रिफ्लेक्शन का जो फर्स्ट लॉ है वो ये कहता है कि इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। और यहां पर परावर्तन कोण को अगर आर से लिखा है तो हम आपतन कोण को भी आर सपोज कर सकते हैं। तो हमारा आपतन कोण हो गया कितना, आर डैश आर हो गया। ठीक है, उसने एक चीज और कहा है कि यदि ये दोनों किरणें एक दूसरे से 90 अंश के कोण पर जा रही हैं, तो देखिए कुछ इस तरह से, इसका थोड़ा सा फिगर में बना रहा हूं। ये मान लो हो गया रिफ्लेक्टेड रेस और ये हो गया रिफ्रेक्टेड रेस। इन दोनों के बीच एंगल है 90 डिग्री का, ये आर है और ये आर डैश है। तो अगर ये 90 होगा तो इन दोनों का सम भी 90 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक लाइन पर 180 अंश का कोण बनता है, 90 ये हो गया तो 90 इन दोनों को मिलाकर बनना चाहिए। समझ में आ गया? तो अब इसको रफ कर रहे हैं। ठीक है,
इसको रफ कर दे रहे हैं, तो हमें यहां से मिला क्या, R प्लस आर डैश, आर प्लस आर डैश इक्वल टू 90। तो R इक्वल टू क्या हो गया, 90 माइनस आर डैश, ठीक है, 90 माइनस आर डैश, ये R की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, तो जाएगा साइन 90 माइनस आर डैश अपॉन साइन आर डैश। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, यानी ये हो गया आपका कॉस आर डैश, कॉस आर डैश अपॉन साइन आर डैश, और कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, लेकिन अगर टैन के पदों में निकालना चाहें तो हम कैसे निकाल सकते हैं इसको, वन अपॉन टैन आर डैश, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। अब अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में क्या संबंध होता है, पिछली वाली वीडियो में बताया था, अगर आपको आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि क्या होता है दोनों के बीच रिलेशन, और अगर नहीं आ रहा है तो फिर हम बता ही दे रहे हैं, ठीक है, देख लीजिए। तो म्यू इक्वल टू होता है वन अपॉन साइन सी, ठीक है, साइन सी। अब जरा देखो म्यू की वैल्यू ही वन अपॉन टेन आर डैश आया और म्यू की वैल्यू ही वन अपॉन साइन सी आई है, तो इन दोनों को आपस में इक्वल दिखा सकते हैं कि नहीं, अगर आपस में इक्वल दिखा सकते हैं तो इसको मैं ऐसा लिख दे रहा हूं कि वन अपॉन साइन सी इक्वल टू वन अपॉन टेन आर डैश, तो इन दोनों को आपस में इक्वल दिखाया जा सकता है, इसका मतलब हो गया साइन सी इक्वल टू टेन आर डैश, तो क्रांतिक कोण पूछा है तो साइन इनवर्स, साइन इनवर्स टेन आर डैश, ठीक है, इस तरह का हो जाएगा, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए इसमें हमने आपको बता दिया कि ये आर प्लस आर डैश कैसे आया था 90, यहां से आर की वैल्यू हम लोग आर डैश के टर्म में निकाल के यहां पुट कर दिए, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो गया, कॉस अपॉन साइन वन अपॉन टेन हो गया, फिर ये क्रांतिक कोण यानी क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रिलेशन है, फिर ये और ये इसी चीज से हम यहां तक आए हैं, तो दोनों का लेफ्ट हैंड इक्वल है तो दोनों के राइट हैंड इक्वल होने चाहिए, फिर वन अपॉन में दोनों इक्वल है तो दोनों आपस में इक्वल हो गए और यहां से हमें सी मिल गया, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके लिए एक काम, ठीक है, अभी तो मैं क्वेश्चन बताऊंगा पर अब ये वाला क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि इस पैटर्न पे मैं क्वेश्चन बता चुका हूं और आपको अच्छे से समझाया भी था, ठीक है, लास्ट ईयर में इस पैटर्न पे सवाल पूछा हुआ है, इसलिए मैं आपको अभी दे रहा हूं। क्या होता है कि कुछ लोग अंत तक वीडियो देखते हैं, उसके बाद जो होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया गया रहता है उसको वो करते नहीं है, तो इसलिए अभी आज बीच में दे रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनिए। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी इज 25:1, द वेव हैव एम्पलीट्यूड इन रेशियो। यंग के द्विक रेखा छिद्र प्रयोग में तरंगों के अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात 25 संबंधे एक है, इनके आयामों का अनुपात होगा। अच्छा बच्चे, तो रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर कि इसको करिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप करोगे नहीं तो आप सीखोगे कैसे, और दूसरा ये होमवर्क देने का जो मतलब एक तरीका है, आप लोगों ने एक आइडिया जो है वो आप ही लोगों ने दिया है। कुछ स्टूडेंट मुझसे कहते हैं कि सर हर एक लेक्चर में आप कम से कम एक क्वेश्चन तो हम लोगों के लिए दिया ही करिए, इससे क्या होता है कि हम लोगों का मन भी लगा रहता है और हम लोग क्वेश्चन करने के लिए फिर एक थोड़ा सा हो जाता है कि चलो भाई मैं आंसर दूंगा, तो ये आप ही लोगों का सजेशन है, इस वजह से ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ये क्वेश्चन आप करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है, अ पैरेलल मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ नैरो स्लिट, अ डायफ्रेक्शन पैटर्न इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट बीम, एट द फर्स्ट मिनिमा ऑफ द डायफ्रेक्शन पैटर्न द फेज डिफरेंस बिटवीन द रेज कमिंग फ्रॉम द टू एजेस ऑफ द स्लिट इज।
एक समानांतर एक वर्णी प्रकाश स्रोत एक पतली स्लिट पर अभिलंबवत गिरता है। आपतित पुंज की दिशा के लंबवत रखे पर्दे पर विवर्तन प्रतिरूप बनता है। विवर्तन प्रतिरूप के प्रथम निम्निष्ठ पर स्लिटों के दोनों किनारों से आने वाली किरणों के मध्य कलांतर होगा। अच्छा, जैसे मान लो कि ये दो स्लिट हो गए और ये सामने पर्दा हो गया, ये एक यहां पहुंचा और एक यहां पहुंचा, ठीक है। तो टॉप एज और बॉटम एज से जो यहां पर पहुंचती है प्रकाश किरण, ठीक है, टॉप एज और बॉटम एज से जो पहुंचती है यहां प्रकाश किरण, उसमें कलांतर जो होता है फाई इक्वल टू 2 पाई अपॉन में लैम्डा और डी साइन थीटा, ये होता है, ठीक है, ये होता है टॉप और बॉटम एज से आने वाली। अब देखिए, प्रथम निम्निष्ठ बनाना है यानी फर्स्ट मिनिमा, तो जो फर्स्ट मिनिमा होता है, इसको अब रब कर दे रहा हूं, फर्स्ट मिनिमा के लिए जो साइन थीटा होता है फॉर फर्स्ट मिनिमा मिनिमा, ठीक है, यानी प्रथम निम्निष्ठ के लिए साइन थीटा की वैल्यू होती है लैम्डा बाई डी, ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है लैम्डा बाई डी फॉर फर्स्ट मिनिमा। तो ये वैल्यू उठा के यहां पुट कर देंगे तो हमें फेज डिफरेंस मिल जाएगा। तो देखो, पुट करने पर क्या मिलता है, फाइ इक्वल टू 2 पाई अपॉन में लैम्डा और डी साइन थीटा की वैल्यू हो गई लैम्डा बाई डी, डी से डी कट गया, लैम्डा से लैम्डा कट गया और यहां मिल गया कि फाइ इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 पाई, ठीक है, क्लियर है। फर्स्ट मिनिमा का केस ये है, टॉप एज और बॉटम एज से जो रेस पहुंचती है डायफ्रेक्शन पैटर्न के लिए उनके बीच जो फेज डिफरेंस होगा वो आपका ये है फार्मूला, आप यहां रखिए आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लाइट वेव इज इंसिडेंट ऑन अ ग्लास प्लेट एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ 60 डिग्री, इफ द एंगल ऑफ रिफ्रेक्टेड एंड रिफ्रेक्टेड रेस इज 90 डिग्री देन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास प्लेट इज, यानी एक पट्टिका पर प्रकाश तरंग 60 डिग्री कोण पर आपतित हो रहा है, यदि परावर्तित एवं अपवर्तित किरणों के मध्य 90 अंश का कोण बन रहा हो तो पट्टिका का अपवर्तनांक होगा। अच्छा देखो भाई, 90 अंश का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है किसके बीच में, रिफ्लेक्टेड रेज और रिफ्रेक्टेड रेज में, यानी यहां पर कौन सा केस बन रहा है, यहां पर केस बन रहा है पोलराइजेशन का, यानी यहां पर ब्रूस्टर्स लॉ लग जाएगा, ब्रूस्टर्स लॉ लग जाएगा। तो ब्रूस्टर लॉ के हिसाब से क्या होता है कि टेन आई पी इक्वल टू म्यू, यहां आई पी क्या है इंसिडेंट एंगल, तो इंसिडेंट एंगल के लिए क्या दे रखा है 60, तो टेन 60 डिग्री इक्वल टू म्यू और टेन 60 की वैल्यू क्या होती है रूट में 3, तो इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा रूट 3, ठीक है। ये तो एकदम आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको ये ध्यान रखना है ब्रूस्टर में दो चीजें याद रखनी है, या तो वो कहेगा कि परावर्तित और अपवर्तित किरणों के मध्य 90 अंश का कोण बन रहा है, या तो ये कह देगा, या तो ये कहेगा कि जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो पूर्णतया प्लेन पोलराइज लाइट है, समतल ध्रुवित प्रकाश है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आने की संभावनाएं बनती हैं अगर बायोलॉजी के लिए तो स्पेशली, क्योंकि ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिन पर यह तो नहीं कहा जा सकता कि ये आएंगे ही, बट कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी बीएचयू एंट्रेंस में आ जाते हैं या अन्य कॉलेजों के एंट्रेंस में आ जाते हैं जो लगता है कि यार ये क्या आ गया। जैसे पिछले वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन बताया था कि 9th क्लास का क्वेश्चन था कि म्यू और क्रांतिक कोण और उसमें ये क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में क्या संबंध था, क्लास 10th का क्वेश्चन था पर पूछ लिया, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं और ये सब इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर क्वेश्चन थियोरेटिकल, तो इन सबको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड इफ द मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज्ड इन, ये YDSE का मतलब है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, थोड़ा सा शॉर्ट में ना, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज रिप्लेस्ड बाय व्हाइट लाइट,
क्या होगा यदि यंग के द्विक रेखा छिद्र प्रयोग में एक वर्णी प्रकाश के स्थान पर श्वेत प्रकाश का उपयोग करें। देखो एक वर्णी जब मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करते हैं तो जो विवर्तन प्रतिरूप बनता है, जो डायफ्रेक्शन पैटर्न बनता है, वो एक ही कलर का होता है। लेकिन जब उसमें आप व्हाइट लाइट यूज करना शुरू करोगे, श्वेत प्रकाश यूज करोगे, तब उसमें क्या होगा, जो बीच का जो सेंट्रल मैक्सिमा होगा वो तो व्हाइट होगा और उसके दोनों तरफ कुछ रंगीन पट्टियां बनेंगी। यानी आप लोग इंग्लिश वाले सुन ले कि सेंट्रल मैक्सिमा इज व्हाइट एंड सम अदर कलर्ड फ्रिंजेस आर मेड या सेटअप टुवर्ड्स बोथ द एंड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। यानी केंद्रीय उच्चिष्ट, केंद्रीय उच्चिष्ट श्वेत होगा और उसके दोनों ओर कुछ रंगीन पट्टिका होंगी। ठीक है भाई, जो सेंट्रल मैक्सिमम होगा वो व्हाइट होगा, एकदम व्हाइट, और उसके दोनों तरफ बोथ एंड्स पे क्या होगा, सम कलर्ड फ्रिंजेस फॉर्म्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरफेरेंस पॉसिबल इज, व्यतिकरण संभव है ओनली इन लाइट, ओनली इन साउंड, बोथ ए एंड बी, मतलब कि लाइट और साउंड दोनों में हो सकता है, नोट आर नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो हिंदी में एक बार समझ लेते, केवल प्रकाश में, केवल ध्वनि में, ध्वनि और प्रकाश दोनों में, और इनमें से कोई नहीं। तो व्यतिकरण का मतलब क्या होता है, दो साउंड वेव, अरे दो वेव रहेंगी वो एक साथ, अच्छा वेव भी कोहेरेंट सोर्स से निकलनी चाहिए, वो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ उनका इंटरफेयर होगा और कहीं कहीं पर मैक्सिमम बनेगा इंटेंसिटी, कहीं कहीं पर मैक्सिमम होगी, कहीं कहीं पर मिनिमम होगी। दो कला संबद्ध स्रोतों से निकलने वाली तरंगे जब एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं तो कहीं कहीं पर उनकी तीव्रता अधिकतम होती है और कहीं कहीं पर न्यूनतम होती है, इसको कहते हैं ध्वनि तरंग, अरे इसको कहते हैं व्यतिकरण। तो एकदम आप समझ लीजिए कि व्यतिकरण लाइट में भी हो सकती है, साउंड में भी हो सकता है, इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो सही है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि अगर व्यतिकरण लाइट और साउंड दोनों में हो सकता है तो विवर्तन भी क्या लाइट और साउंड दोनों में हो सकता है? यस, जो विवर्तन है, डायफ्रेक्शन है, वो भी साउंड और लाइट दोनों में हो सकता है। अब क्वेश्चन आपके लिए ये है कि क्या पोलराइजेशन भी दोनों में होता है या नहीं होता, और अगर होता है तो किस वेव में होता है, साउंड वेव में होता है कि लाइट वेव में, तो ये आपको हमें जो है वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एक्स रेस कांट बी डायफ्रेक्टेड बिकॉज, एक्स रे साधारणतः विवर्तन नहीं होता है, एक्स रे में साधारणतः विवर्तित नहीं होता, क्यों? देखो एक्स रे की जो वेवलेंथ होती है वो बहुत कम होती है, इवन जो हम लोग स्लिट बनाते हैं, ऑर्डिनरी जो स्लिट होती है उसकी चौड़ाई से कम हो जाती है। तो लाइट जो आपका डायफ्रेक्शन है उसकी डेफिनेशन ये कि when light coming from a sharp edges it bend towards the edges, this phenomena is known as diffraction। यानी कि जब प्रकाश किरण किसी तीक्ष्ण किनारों से होकर गुजरती है तो किनारों पर मुड़ जाती है, इस घटना को विवर्तन कहते हैं। पर जो एक्स रे होती है वो उसकी वेवलेंथ इतनी कम होती है कि वो इतना कम फैलती है कि वो जो साधारण हम लोग का डायफ्रेक्शन का मतलब स्लिट होता है उससे भी कम, उसकी चौड़ाई से कम इसका वेवलेंथ होता है, इस वजह से यह किनारों को टच कर ही नहीं पाती है। जब किनारों को टच ही नहीं कर पाएगी तो विवर्तन कहां से होगा, डायफ्रेक्शन कहां से होगा, तो इसलिए हम लोग का आंसर हो जाएगा, इसका सोल्यूशन हो जाएगा ड्यू टू शॉर्ट वेवलेंथ। मतलब कम तरंग दैर्ध्य होने के कारण इसमें विवर्तन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट इज इंक्रीज 10 टाइम्स वेयर एज द देयर डिस्टेंस फ्रॉम द स्क्रीन बी हाफ्ड फ्रिंज विड्थ विल बी। यानी कि यदि यंग के द्विक रेखा छिद्र प्रयोग में स्लिटों के बीच की दूरी 10 गुनी कर दी जाए और स्लिट से पर्दे के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तब फ्रिंज की चौड़ाई होगी। अच्छा, मतलब स्लिट के बीच का जो दो स्लिट होते हैं उसके बीच का डिस्टेंस 10 टाइम्स कर दिया और जो स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस है वो हाफ कर दिया, तो नया फ्रिंज विड्थ आपसे पूछ रहा है। तो जब नहीं किया था उस समय क्या रहा होगा, बीटा इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, ये रहा होगा जब नहीं किया था तब। इसको इक्वेशन वन कर दीजिए। नेक्स्ट मान लो कर दिया, उस समय ये फ्रिंज विड्थ हो गई बीटा डैश। इस ये जो कैपिटल डी होता है वो स्क्रीन से स्लिट के बीच की डिस्टेंस होती है, इसे तो कर दिया आधा यानी डी बाई टू कर दिया और लैम्डा में कोई चेंज नहीं हुआ है। और ये जो स्मॉल डी है इसको कर दिया 10 टाइम्स। स्मॉल डी क्या होता है, स्लिटों के बीच की दूरी, उसको कर दिया 10 टाइम्स, तो ये हो गया आपका 10 डी। अब ये 2 और ये 10 मल्टीप्लाई होके 20 हो गया। उस 120 को बाहर निकाल लो, उस 120 को बाहर निकाल लो, तो ब्रैकेट में बचा क्या, डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। अब ये डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी की वैल्यू क्या है, बीटा है। इसका मतलब हो गया कि बीटा डैश इक्वल टू 1/20 बीटा, यानी कि अब जो फ्रिंज की चौड़ाई होगी वो पहले चौड़ाई का 1/20 गुना हो गया। जो पहले चौड़ाई थी बीटा, अब जो नई चौड़ाई है ये वो उसका 1/20 टाइम्स हो गया। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है पूरे वेव ऑप्टिक्स का। रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप डिपेंड्स, दूरदर्शी की विभेदन क्षमता निर्भर करती है। तो सबसे पहला काम ये हुआ कि दूरदर्शी की विभेदन क्षमता का सूत्र क्या होता है, तो दूरदर्शी की विभेदन क्षमता का सूत्र होता है रिजॉल्विंग पावर इक्वल टू डी अपॉन 1.22 लैम्डा। ठीक है, 1.22 लैम्डा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है। एक तो रिजॉल्विंग पावर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डी। डी क्या है, डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, यानी कि अभिदृश्यक लेंस का व्यास। और दूसरा किस पे डिपेंड करता है, आर पी डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, यानी जो लाइट है उसके वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वेवलेंथ के क्या है, वेवलेंथ के व्युत्क्रमानुपाती है। वेवलेंथ बढ़ेगा तो रिजॉल्विंग पावर कम हो जाएगी, इसी तरीके से अगर इसका डायमीटर बढ़ता है तो रिजॉल्विंग पावर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों वेव ऑप्टिक्स जो है वो हम लोगों का अब समाप्त हो चुका है। अब जो अगली टॉपिक होगी वो आपके लिए ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थों की द्वैती प्रकृति, उसमें भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आपको भी फायदा हो और हमको भी फायदा हो। देखो रियल बात यह है कि थोड़ा हमें भी फायदा होता है ना, तो आपको भी फायदा हो और मुझे भी फायदा हो, तो इस उद्देश्य से हम दोनों एक दूसरे की मदद करते रहें। और आप जो है चैनल से जुड़े रहिए, हम आपको बराबर वीडियो देते रहेंगे। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए। और फिर वही बात कहूंगा, ग्रुप बनाकर पढ़ो, ठीक है, उससे आपको ये पता चलेगा कि आप सचमुच लोगों से बेहतर हो रहे हैं या अकेले। जैसे अगर हम लोग पढ़ते हैं ना तो क्या होता है कि हमें ये पता ही नहीं चलता दूसरा बेहतर कर रहा है कि नहीं, खूब मंडूक वाली स्थिति हो जाती है, वो नहीं होना है। ठीक है, अच्छा, तब तक के लिए, जब तक हमारी नेक्स्ट वीडियो नहीं आती तब तक के लिए थैंक यू।